हेलो दोस्तों, आज हम सी लॉयन के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया भर के सभी समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन उत्तरी अंटार्कटिक महाद्वीप में इनकी कोई भी प्रजातियां नहीं मिलती है। यह प्राणी समूह में जीवन व्यतीत करता है। सी लॉयन के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने से पहले चैनल एनिमल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। सी लॉयन की दुनिया में 7 प्रजातियां पाई जाती है। सी लॉयन की 7 प्रजातियों में कैलिफोर्निया सी लॉयन, स्टेलन सी लॉयन, ऑस्ट्रेलियाई सी लॉयन, जापानी सी लॉयन, दक्षिण अमेरिका सी लॉयन, न्यूजीलैंड सी लॉयन और गालापागोस सी लॉयन आते हैं। अक्सर आपने चिड़ियाघरों में कैलिफोर्निया सी लॉयन को देखते हैं। समुद्र के किनारों पर पत्थरों पर समुद्री शेर लेटे हुए देखे जाते हैं। समुद्री शेर और सील में मुख्य भिन्नता होती है। सी लॉयन जमीन पर अपने चारों फ्लिप्स का उपयोग करके चलता है, जबकि सील उछल कर चलता है। सी लॉयन भोजन को बहुत कम चबाता है, वह शिकार को सीधे निगल लेता है। इनके कान बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनके कानों में पानी नहीं जाता है, क्योंकि इन पर एक झिल्ली होती है। सी लॉयन आंखों से पानी में जमीन की तुलना में अच्छी तरह से देख सकते हैं। स्टेलर सी लॉयन प्रजाति आकार में सबसे बड़ी होती है। नर सी लॉयन मादा के आकार से बड़ी होती है। नर को बेल कहा जाता है, जबकि मादा को गाय कहा जाता है। इनको आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि यह एक बुद्धिमानी प्राणी है। सी लॉयन का शरीर एक टॉर्पीडो की तरह होता है, इसी कारण से यह प्राणी पानी में आसानी से तैर लेता है। एक वयस्क नर सी लॉयन का वजन लगभग 363 केजी तक का होता है और आकार में 9 फीट तक का होता है, तथा मादा का वजन करीब 181 केजी तक होता है, जबकि उनका आकार करीब 6 फीट तक का होता है। समुद्री शेर के शरीर पर बाल होते हैं, जो आकार में छोटे व मोटे होते हैं। इस प्राणी के शरीर पर 4 पंख होते हैं, जिनकी मदद से यह पानी में अच्छे से तैर सकते हैं। इन्हीं पंख की सहायता से यह जमीन पर भी चल सकते हैं। सी लॉयन का रंग गहरा भूरा होता है। मादा करीब 12 महीने तक गर्भवती रहती है। सी लॉयन सीधे बच्चों को पैदा करती है। बच्चों का जन्म जमीन पर होता है। बच्चों का वजन करीब 7 केजी तक का होता है। यह एक स्तनधारी प्राणी है, जो मादा बच्चों को दूध पिलाती है। समुद्री शेर का मुख्य भोजन मछलियां है, जिसमें छोटी मोटे आकार की सभी मछलियां आती है। यह मछलियों के अलावा ऑक्टोपस जैसे जीवों को भी खा जाते हैं। नर को एक दिन में करीब 18 केजी भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि मादा को 20 केजी भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्राणी को बड़े समुद्री जीव खा जाते हैं, इनमें शार्क, व्हेल मछली आते हैं। समुद्र का प्रदूषण भी इनकी कम होती संख्याओं का एक कारण है। सी लॉयन की तैरने की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन केवल खतरा महसूस होने पर या शिकार के लिए वे इतना तेज दौड़ते हैं। आमतौर पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हैं। क्या आप जानते हैं, यह प्राणी करीब 20 मिनट तक पानी में सांस को रोक सकता है। यह करीब 900 फीट तक गोता लगा सकता है। समुद्री शेर का औसतम जीवन काल लगभग 20 वर्ष तक का होता है। यह प्रजाति वर्तमान में विलुप्त की कगार पर है। दोस्तों, समुद्री शेर के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल एनिमल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बजाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।